राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में गुरुवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तत्वाधान में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के माध्यम से जनपद के शिक्षकों को प्रशिक्षण दी गई कि बच्चों को समझाए कि किस तरह से बच्चों में वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक प्रतिभा का विकास हो, हम ऐसा आविष्कार करें जो हमारे समाज के लिए उपयोगी हो, उन आविष्कारों के माध्यम से हम समाज के समस्याओं का निराकरण कर सकें और जो भी आविष्कार हम कर रहे हैं वह सस्ता और सुलभ हो जिससे नागरिकों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर कार्यशाला में ज्ञानेश पांडे, कृति पांडे, रेखा पांडे सहित जनपद के अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और विभिन्न विद्यालय से आए छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कार्यशाला में आए छात्र छात्राओं और जिला समन्वयक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आकाश वर्मा ने कहा। ओपन डिस्कशन अपने कीजिए। किसी तरह की कोई समय का जिला स्तर का जो प्रतियोगिता है इसका स्तर हम जल्द ही शुरू करेंगे, या तो 24 या तो 25। अगर किसी टीचर कोच में कोई समस्या है तो हम लोग इस पर भी डिस्कशन भी कर लेंगे। बच्चे अभी बाहर वेट करेंगे, तब तक हम लोग आपस में कोई अच्छी डेट निर्धारित कर लेते हैं कि कब आप लोग सुविधा कि हम उस डेट पे कार्यक्रम करा सकते हैं। उनके साथ जो बच्चे आ सकेंगे तो प्रश्न जरूर पूछे क्योंकि फिर समय प्रश्न पूछूंगा। टॉपिक है जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या करना है, कोई समस्या, जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं उसमें ऐसा कोई अंश हो जो आपको समझ में नहीं आया है वो आप प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक बार फिर समस्या क्या होती है, सो समस्या वह समस्या है जो आपके सबसे नजदीक में ऐसी समस्या है जिस पर चलते हैं, उन समस्याओं के कारणों का पता लगाएं। कारणों का पता लगाने के बाद से आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको इतने समझाने के बाद जो आप अपने विचार से व्यवहार में परिवर्तन ना कर सके तो यह कार्यशाला व्यर्थ है, इसलिए इसके सफल आयोजन के लिए आवश्यक है कि केवल विचारों का नहीं व्यवहारों का प्रयोग करें। इस कार्यशाला में हमको सीखने को मिला जैसे हम लोग अपनी कैसे NCSC की फाइल तैयार कर सकते हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं समाज में और किस और हम कैसे इसको सुधार सकते हैं और हम क्या अपने प्रोजेक्ट में ऐसा कर सकते हैं जो समाज को भी फ़ायदा करे और देश को भी। और जैसा कि थीम भी हम लोगों की अ क्लीन ग्रीन इंडिया, इसका मतलब कैसे कि हमारे भारत में क्या दिक्कतें हैं और हम उसको कैसे सही कर सकते हैं, ये हमें सीखने को मिला है इस कार्यक्रम में। क्लास 7th रोशनी सिंह। हमें यहाँ से ये सीख मिली कि हमें जो विचार में लाना चाहिए वो हमारे व्यवहार में भी लाना चाहिए। प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए सिर्फ सोचना ही नहीं, उसे करना भी पड़ेगा, तभी वो मतलब प्रदूषण बंद होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। देखिए, ये विज्ञान शिक्षक कार्यशाला है, इसका उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि शिक्षकों को हम ये प्रशिक्षण दें कि किस प्रकार बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा, वैज्ञानिक सोच का विकास किया जा सके। इस कार्यशाला के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण हम दे रहे हैं कि आप जाएं अपने बच्चों को समझाएं कि किस तरह से एक विस्तृत तरीके से हम शोध कर सकते हैं जिससे हम ऐसा आविष्कार कर सकें जो हमारे समाज के लिए उपयोगी हो। उन आविष्कारों के माध्यम से हम समाज की समस्याओं का निराकरण
व्याकरण कर सकें, और जो आविष्कार हमने किए हैं वो इतने सर्वसुलभ हों, इतने सस्ते हों, इतने सामान्य हों कि हर एक सामान्य नागरिक के पहुंच तक हो। बस हमारा यही प्रयास है कि हम यहाँ पे आने वाले हर शिक्षक के माध्यम से कम एक तो ऐसा वैज्ञानिक हम बना सकें जिसके माध्यम से समाज का कल्याण हो सके। धन्यवाद।